शुशकाल कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ मोहम्मद अली रोड, जो कि रमजान की फेवरेट मार्केट होती है हर मुसलमानों के लिए। वैसे ऑल टाइम फेवरेट है, बट रमजान में तो उसकी रौनक में चार चांद लग जाते। वैसे देखा जाए तो आज मैं वहाँ इफ्तार या कोई दावत में नहीं जा रही हूँ, वहाँ मैं कोई चीज़ लेने के लिए जा रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना कि मैंने चीज़ कैसी ली है, क्या ली है, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वो चीज़ पसंद आई भी है या नहीं, कि मुझ पर सूट हो रही भी है या नहीं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ। हाँ, मैंने बाल बांध ली क्योंकि आपको पता है ना, ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर मैंने बाल खुले रखी तो बाल पॉइंट इस वजह से मैंने बाल बांध ली हूँ। सो चलो ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। वैसे आपको कार पसंद है या बाइक? मुझे पर्सनली बाइक पसंद है, मुझे कार में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सो या हम बाइक राइड से जाएंगे। तो हम मोहम्मद पहुंच चुके हैं फाइनली। आप पीछे के ये जो फ्लाईओवर है ना, इसको देख के कोई भी पहचान लेगा कि हाँ हम मोहम्मद अली रोड पहुंच चुके हैं। बुरा हेलमेट लगता है मुझे। ये है अरेबियन कलेक्शन, जो कि मोहम्मद अली रोड में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अपोजिट रोड पर है। मैंने कहा था ना कुछ लेने जा रही हूँ, चलो देखते हैं। वैसे तो हमने बहुत बात की, पर इनकी शॉप में बहुत क्राउड थी तो आवाज़ को समझ नहीं आई। वैसे हमने बात किया कि मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, इनके सारे अबायर दुबई से एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब कि इनका सिर्फ मोहम्मद अली रोड मुंबई में ही नहीं, दुबई में भी ब्रांच है। लोकेशन और एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट बाकी की डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बात रही इनका सिंस कितना है, सिंस 1995 से। मतलब देखा जाए तो आज के टाइम में 28 ईयर्स हो गए इनके अरेबियन कलेक्शन को ओपन हुए। तो शायद अब मुझे कहने की जरूरत नहीं कि लोगों को इन पर कितना भरोसा है। जिस बुरखों की बात मैं शुरुआत से कर रही हूँ, चलो उन बुरखों को देखते हैं। हमारे पेज अरेबियन कलेक्शन 786 को इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर कोई हमारे शॉप में आता है तो हम उसको एक पीस भी होलसेल के प्राइस में दे देते हैं। वाओ, ये बताना आपको जरूरी था। तो अब इफ्तार का वक्त हो चुका है, मैं इफ्तारी करने अपनी फैमिली के साथ आ चुकी हूँ। तो हम सबसे मिलते हैं एक बार। मम्मा ना तो अशु से कभी कभी सबको आवाज़ देती हूँ ना, सच में मम्मा क्या था ये, नॉर्मली बोल सकती ना मम्मा। यार सॉरी, आप लोग को मुझे कितना झेलना पड़ता है ना, पर झेलो। तो प्यार जो आप मुझसे करते हो ना, झेलो थोड़ा सा। पहुँच चुके हैं मशहूर फेमस। हेलो भाई, हो नहीं सकता कि मैं कहीं बाहर निकलूँ, मेरी तबीयत ना ख़राब हो। क्या मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है पूरे तरीके से, इतनी ख़राब हो गई है कि अब मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा प्रॉपरली। मम्मी दिस इज़ नॉट गुड, लाफ एट मी, जस्ट लुक एट हर फेस, शी इज़ लाफिंग ऑन मी। हंसो अब, हंसो अब, हंसो अब, हंसो अब, हंस रहे हैं। गाइस दिस इज़ नॉट गुड ना, किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, हंस रहा है मुझ पर लिटरली। अब्बा मेरी तबीयत खराब हो गई है ना, ये हंस रहे थे मुझ पर, आपकी बीवी हंस रही है मुझ पर। क्यों हंसती है रे? डांटा ना आपने? तो डांटूंगा ना, देखिए डांट पड़ गई।
मुझे शॉपिंग का व्लॉग बनाना था, मैं बना नहीं पाई क्योंकि बहुत प्राउड था और आप सब जानते हो कि मैं एक मिनट के लिए भी फैन ऑफ नहीं होने देती हूँ शूट के टाइम पर भी। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत गर्मी हुई थी क्राउड प्लेस में, इससे मैंने कैमरा निकाला नहीं, फटाफट शॉपिंग करके वहाँ से निकल गई। अब आई हूँ मैं खाना खाने, क्योंकि मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, बट फैमिली को खाना है तो वो लोग खाएंगे और मैं स्नैक बनाऊंगी। हाँ पता है, अभी कोई आगे कमेंट में मत बोल देना कि खाने की और सारी की नहीं लिखी, फोटो नहीं डालनी चाहिए, मैं फोटो नहीं पोस्ट करूँगी, बट स्नैप तो बना सकती हूँ ना अपने लिए, अपने आप को खुश रखने में कोई मसला है क्या? नहीं करेंगे वे चीज़।